हेलो रुवान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आप फिश टेल ब्रेड कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कितने सेक्शन लिए जाते हैं। इसमें आपको 2 सेक्शन लिए जाते हैं हमेशा। आपको 3 सेक्शन ब्रेड की तरह नहीं लेने, आपको 2 सेक्शन लेने हैं सिंपल। इसके लिए तो आपको सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं साइड पे करके आपको इजीली बता सकती हूँ। तो आपको 1 सेक्शन से 1 सेक्शन लेना है, स्मॉल सा पतला सा, उसको दूसरी साइड पे पकड़ लीजिए अपने दूसरे हैंड में। फिर आप साइड वाले से 1 सेक्शन लीजिए और उसको अपने दूसरे वाले साइड पे पकड़ लीजिए। अब ये आपको क्रॉस में एक जिगजैग स्टाइल में बन जाएगा। ऐसे ही आपको सिंपल एक स्मॉल सा सेक्शन लेना है और उसको उधर की साइड लेके जाना है और उस वाले हैंड में पकड़ लेना है। आपको ये रिपीट करना है, आपको इधर से स्मॉल सा सेक्शन लेना है और आपको दूसरे वाली फिंगर में पकड़ लेना है। आप इसको बहुत टाइटली पकड़ेंगे ताकि इसको लूज ना करें। बस आपको मेथड सेम रखना है, आपको साइड से एक पतला सा सेक्शन लेना है और उसको अपने अनदर साइड पे पकड़ लेना है। आपको ये रिपीट करना है, आपको यहाँ से स्मॉल सा सेक्शन लेना है और उसको आपको अनदर साइड पर पकड़ लेना है। यह आप रिपीट करते रहेंगे, आपके जितने भी आपके लॉन्ग हेयर है ये वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो ये फिश टेल का सबसे इजी वाला मेथड है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फिश टेल बहुत ज़्यादा इजीली बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा, बस आपको समझने की होती है कि आपको कितने सेक्शन लेने हैं। आपको हमेशा फिश टेल में 2 सेक्शन लेने हैं और आपका सेम मेथड रहेगा कि आपको एक स्मॉल सेक्शन लेना है और आपको अपने दूसरे वाली साइड पे, जो आपका दूसरे हैंड में आपने 1 सेक्शन पकड़ा है, उसमें इसको इधर की साइड पकड़ लेना है सिंपल। यही आपको सेक्शन पूरे बालों में करना है, यानी आपके बाल जितने भी लॉन्ग है शॉर्ट है, यानी आप जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। बस आपका मेथड सेम रहेगा कि आपको स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेने हैं और आपको जिगजैग की तरह आपको स्मॉल सेक्शन इधर से कलेक्ट करना है, आपको उधर लेके जाना है, उधर से स्मॉल सेक्शन कलेक्ट करना है और आपको इधर लेके आना है, जिससे आपकी ब्रेड बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनेगी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती है। ये आपकी नॉर्मल ब्रेड से तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बहुत सी गर्ल्स को समझ ही नहीं आता कि इसके लिए आपको 3 सेक्शन लेने हैं। वो 3 सेक्शन लेके फिश टेल ब्रेड बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन 3 सेक्शन से आप ब्रेड नहीं बना सकते ये वाली फिश टेल। इसके लिए आपको 2 सेक्शन लेने हैं। मेथड आपका सेम रहेगा, आप फिश टेल 3 स्टाइल में बना सकते हैं। आप रिवर्सल फिश टेल भी बना सकते हैं और आप ये फ्रंट वाली भी बना सकते हैं। मैं आपको सारी बना के दिखाऊंगी 1 टाइम में कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसको आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली बना रही हूँ, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स गर्ल्स हैं जिनको भी फिश टेल ब्रेड नहीं आती, उनके समझ आते हैं कि उनको ईजिली बनाना कैसे है। तो आप देख सकते हैं आपको एक स्मॉल सेक्शन लेना है, आपको उधर लेके जाना है, फिर राइट से सेक्शन लेना है, आपको लेफ्ट की तरफ लेके आना है और लेफ्ट की तरफ से सेक्शन लेना है, राइट की तरफ लेके आना है ऊपर की साइड से, यानी अपने आगे की तरफ से लेके जाना है और लेफ्ट वालों के सेक्शन को आप इसे रिपीट करते जाएं। या आप स्टार्टिंग में बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि शायद ब्रेड शुरू नहीं हुई, लेकिन ये एंड तक जाते जाते ये थोड़ा थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ब्रेड का लुक लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑसम सी लुक लगती है इस ब्रेड की, जो आपकी 3D ब्रेड से तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसको स्मॉल स्मॉल सेक्शन कॉर्नर से ओपन भी कर सकते हैं, पर मैंने नहीं करा, मुझे थोड़ा सा सिंपली इसका लुक अच्छा लगता है। तो आपको ये, आई होप आपको ये वाली ब्रेड समझ आ गई होगी। तो आप इसको कंप्लीट कर दें ऐसे ही आप जहाँ तक इसको चाहते हैं। फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट ब्रेड बना के दिखाऊँगी, जो इसकी रिवर्सल ब्रेड होगी फिश टेल की। तो आपके फ्रंट की, आपको तो आपको पता है फ्रंट की साइड होगी और बैक की साइड होगी इज अ नेचुरल नॉर्मल। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसको रबड़ लगा के इसको टाई कर लीजिए।
मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ ब्रेड का, जिससे आप फिश टेल ब्रेड बना सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। आपका पहले वाला मेथड भी इजी और ये वाला भी इजी रहेगा, तो ये वाला थोड़ा सा आपको ज़्यादा इजी लगेगा। आपको इसमें आपको रिवर्सल करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आपको फ्रंट से सेक्शन लेके अगेन वैसे ही आपको बस पीछे की तरफ पलटना होता है अपने बालों को। ऐसे सेक्शन लीजिए पतला सा और घुमा के अपने उधर वाले हैंड में ले लीजिए, फ्रंट से घुमाइए और फिर इस वाले हैंड में ले लीजिए। ये आपको रिपीट करते रहना है, पर आपको ध्यान रखना है आपको सेक्शन हमेशा पतले पतले ही लेने हैं। आप मोटे मोटे लेंगे तो आपके थोड़े से ब्रेड वो लुक ले नहीं पाएगी, तो आपको ऐसे बहुत पतला सेक्शन लेना है और घुमा के अपने बालों को दूसरे वाली साइड पर पकड़ लेना है। आपको अगेन ये रिपीट करना है, आपको इधर वाले सेक्शन से लेना है और दूसरे वाले साइड में पकड़ लेना है, जैसे आपकी रिवर्सल ब्रेड बहुत ज़्यादा ईजिली बन जाएगी। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी ये बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, तो आपको लगेगा ये थोड़ा सा मैसेज आया, लेकिन नहीं है। मैंने आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि आप ऐसे बना सकते हैं, तो आप अपने घर में ट्राई कीजिए कि आप इसे इजीली कैसे बना सकते हैं। मैं आपको 4 मेथड बता देती हूँ, 3 तो थोड़े से अच्छे वाले हैं और 1 मैंने ऐसे ट्रिक्स यूज़ करी थी तो वो है, लेकिन 3 जो आपके आइडियाज़ हैं वो वाले अच्छे हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाले स्टाइल से आपकी ब्रेड बहुत जल्दी बन गई है। पहले वाले से जो ब्रेड थी उससे थोड़े से स्लो वीडियो आपकी ब्रेड कंप्लीट होती है, तो ये वाले स्टाइल से आपकी बहुत जल्दी ब्रेड बन जाती है। अब आप सिंपली इसको ट्राई कर लीजिए कंप्लीट होके। आपका मेथड सेम रहेगा कि आपको बालों को पीछे की तरफ लेके जाना है और आपको अपने लेफ्ट के सर पकड़ना है और राइट से सेक्शन लेना है, आपको राइट की तरफ लेके जाना है, जिससे आपकी ब्रेड बहुत ही ज़्यादा कूल और इजी बन जाती है। यह आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल फिस्टेल ब्रेड्स हैं जिसका मैं आपको आइडियाज़ बता रही हूँ। नॉर्मल आपकी ब्रेड्स ऐसे ही बनती हैं, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो अब मैं आपको अपनी फिस्टेल ब्रेड का तीसरा आइडिया बताने वाली हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। 9th जो आपकी रिवर्सल ही ब्रेड होगी, लेकिन आपको उसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। जो आपका होएगा उसको करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इस बार अपने बालों के दोनों सेक्शन को डिवाइड करना है। ऑब्वियसली हमेशा की तरह ही आपको अपनी फिंगर ऐसे दोनों साइड से फंसानी है स्मॉल सेक्शन। आप इसको आप देख सकते हैं, आप इसको मोड़ना है। आप जब मोड़ देंगे तो उन बालों को अपने थंब से कलेक्ट कर लीजिए और थंब से इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे। अभी आपकी ग्रिप बन जाएगी, इसको आपको रिपीट करना है। आपको फ्रंट से ऐसे बालों में अपनी फिंगर डालिए बालों में, अब इनको घुमा दीजिए अंदर की साइड। अंदर घुमाएंगे तो इनको आप थंब की हेल्प से निकाल दीजिए और इनको आपस में क्रॉस करके ऐसे निकाल दीजिए। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनने वाली फिस्टेल ब्रेड है, आप देख सकते हैं। इसको मैं स्मॉल स्मॉल सेक्शन डालिए, फिर इसको पीछे की तरफ मोड़ दीजिए और हम और थंब की हेल्प से इनको आपस में क्रॉस कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ईजिली बता रही हूँ। आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेना है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा, थोड़ा सा बता के दिखाती हूँ, स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो आपको अगेन आपको फ्रंट से बालों में स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेने हैं और बैक जाके थंब से इसको निकाल देना है। आपको अगेन बालों को ऐसे ही करना है, आपको फ्रंट से स्मॉल स्मॉल सेक्शन में अपने फिंगर फंसाइए, बैक में लेके जाइए और थंब से क्रॉस करा दीजिए ऐसे। आपको ये रिपीट करते रहना है पूरे बालों में। आप देख सकते हैं आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं, घुमा के पीछे की साइड लेके जाइए अपने कान की साइड और इसको थंब की हेल्प से निकाल दिए और इनको आपस में क्रॉस करा दीजिए। ये आपको रिपीट करते रहना। आप बिगिनर्स हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली ट्राई करनी चाहिए फर्स्ट, फिर आपको अनदर आइडियाज यूज़ करने चाहिए। तो मेरे लिए ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा ईजी फिस्टेल ब्रेक मुझे तो लगी है। आप बाकी वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा आइडिया से फिस्टेल बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस मानेंगे तो आप पहले
ये वाली फिश स्टील को ट्राई कीजिए। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगी जब मैंने इसको ट्राई करा तो। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, आप देख सकते हैं। आपको अपने फिंगर से स्मॉल सेक्शन कलेक्ट करना है, उसको बैक लेके जाना है, आपको थंब से इसको फ्लिप कर देना है आपस में। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक दे देती है पूरी ब्रेड। आपका मेथड सेम रहेगा, आपको फिंगर क्रॉस करनी है पीछे जाके थंब से, आपको फ्रंट से स्मॉल स्मॉल सेक्शन लेने हैं, फ्लिप करने हैं पीछे और थंब से क्रॉस करा देने हैं। आपको कौन सी और ब्रेड सीखनी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको, मेरे को बहुत सारी ब्रेड्स बनाने आती है लेकिन मैं वो धीरे धीरे आपको वीडियोस बनाने लगूंगी, या मैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगी। तो मुझे लगा कि फिश स्टील ब्रेड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत सी गर्ल्स को पसंद भी है, तो वो बोल दिए कि कैसे बनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे 3-4 आइडियाज़ से ब्रेड बना लूँ, जिससे जो भी आपको पसंद हो, जो वाला जो भी आइडिया, उसके अकॉर्डिंगली ये फिश स्टील ब्रेड बना सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाला है, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं। तो जब ये आपकी ब्रेड कंप्लीट हो जाए, आप इसको रबर लगा लीजिए सिंपल। ये आपकी रिवर्सल फिश स्टील ब्रेड है, इसे कंप्लीट कर दीजिए। इसको थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर दीजिए तो इसका लुक थोड़ा सा वॉल्यूमनेस हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लगती है। ये आपकी नॉर्मल फिश स्टील ब्रेड की जैसे ही है, इसका लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इस करके मैंने इसको साइड पे ब्रेड को बना के आपको दिखाया ताकि आप इजीली देख सकें, लेकिन मेथड्स आपके सेम्स रहेंगे। तो लेट्स ऑन माय नेक्स्ट ऑप्शन, जो आपका फिर स्टील ब्रेड का होगा, जो होगी आपकी रिवर्सल ब्रेड ही। तो उसके लिए आपको अगेन करना क्या, आपको सबसे पहले अपने 2 सेक्शन लेने हैं, आपको ऑलवेज 2 सेक्शन ही लेने हैं स्टील के लिए। आप 2 सेक्शन ऐसे ले लीजिए, आप इसको थंब की हेल्प से फ्रंट की तरफ लेके आए, सॉरी ये रिवर्सल नहीं है, फ्रंट वाली ही है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको पीछे अपने साइड वाले बालों को थंब में फंसाना है, स्मॉल सा क्रॉस करके आपको अपने उधर वाले हैंड में लेके जाना है। ये सेक्शन आपको बगल वाले से थंब में फंसाना है, अपने बाल थोड़े से और इधर वाले हैंड में लेके आना है। ये आपको पूरे सेक्शन में रिपीट करना है, आपको थंब से बालों को ऐसे फंसाना है और आपको उधर की साइड लेके जाना है। आपको ये थंब की हेल्प से इजी रहेगा करना, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको स्मॉल से सेक्शन में थंब फंसाना है और इसको फ्रंट की तरफ आपको दूसरे वाले सेक्शन में लेके जाना है। आपको ये फिश स्टील बनाने के लिए आपको लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। आप थंब फंस में अपने थोड़े से बाल फंसाइए और साइड में लेके जाइए, फिर थंब में बाल फंसाइए और अपने साइड लेफ्ट साइड में लेके जाइए। आप ऐसे ही लेफ्ट राइट करते करते आप स्टिल ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती है। आपको ऐसे थंब में बाल फंसाने हैं और लेफ्ट में लेके जाने हैं और अपने राइट से बाल फंसाने हैं, अपने लेफ्ट में लेके जाने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2 सेक्शन कलेक्ट करने हैं, आपको 3 नहीं लेने हैं। आपको थंब में बाल फंसाने हैं और अपने राइट में लेके जाने हैं, फिर आपको लेफ्ट में बाल फंसाने हैं, अपने राइट में ले लीजिए, लेफ्ट राइट करते करते फिर स्टिल कंप्लीट कर लीजिए। आप इसको वॉल्यूम देने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं। आप थंब में बाल फंसाइए, अपने राइट में लेके जाइए और आप इसको थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक एक सेक्शन तो आपको अलग अलग डिवाइड डेशन में दिखे जाते हैं, तो उसे आप बहुत ईजीली बना सकते हैं। आप ऐसे लेफ्ट की तरफ लेके जाइए और इसको लेके राइट की तरफ लेके जाइए। आपको ये सेक्शन थंब की हेल्प से करना है, आप देख सकते हैं इसको पूरा।